मैं आज पूरे देश को बताने चाहता हूं कि 2015 में हमारी 2 सीटें थी, अब हम 77 पर पहुंचे हैं। हमारा 1 MP था दार्जिलिंग से, आज हम 18 पर पहुंचे हैं। और संदेश खाली के अंदर तो जो हुआ है वो बिल्कुल हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। अपनी वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री ने अपने नाक के नीचे धर्म के आधार पर सैकड़ों महिलाओं का शोषण होने दिया, उनकी पार्टी के लोगों ने किया है। आप अरेस्ट नहीं करते हो, हाईकोर्ट ने अरेस्ट करने का ऑर्डर करना पड़ता है, शर्म आनी चाहिए उनको। और शिक्षक भर्ती घोटाले में भी गरीब घर के तेजस्वी लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, निर्लज्जता के साथ पैसा लेकर 25,000 लोगों को नौकरी देना पड़ा, जिसको बंगाल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया नौकरियों। आज वो 25,000 युवा भी दुखी है, और जो लाखों लोगों ने परिश्रम कर अप्लाई किया था वो तेजस्वी युवा भी दुखी है। मैं आपको बताता हूं, इस चुनाव के परिणाम आने दीजिए, 4 तारीख को हम कम से कम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम 30 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतकर बाहर आएगी बंगाल से।